सबके भाग्य विधाता भगवान या फिर इंसान के अपने कर्म उसका नसीब तय करते हैं। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है। जब हालात हाथ से फिसलने लगे, इंसान चमत्कार की उम्मीद करने लगता है। पिछले 20 दिनों में मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। ऐसा क्या हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूं। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ 20 दिन पीछे जाना होगा। रात बबलू की बर्थडे पार्टी के बाद आदित्य और अर्जुन देर तक वहीं रुके थे क्या? तब से मेरे भाई की रोलेक्स घड़ी गायब है। हाँ? हाँ? जरा उन दोनों से पूछो कि घड़ी उनके पास तो नहीं है। एक सेकेंड। अर्जुन आदित्य, क्या हुआ माँ? बबलू के घर से कोई घड़ी लाए हो? भला मैं क्यों लाऊंगा माँ। अर्जुन, अब चोरी भी करने लगे हो? नहीं ली। तो ये घड़ी यहाँ कैसे आई? मुझे तो पता भी नहीं माँ। आज खाना नहीं दूंगी तुम्हें। अभी तो बस 20 दिन पीछे गए, मानो मेरी जिंदगी उसी दिन से शुरू हुई थी। क्या हुआ? लगता है आज अर्जुन फिर तेरे सपने में आया होगा। ना लो, मैं नाश्ता बनाती हूं। मैंने अभी जो देखा वो मेरे जीवन का एक काला पन्ना है। अतीत मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अर्जुन एक इमोशन है, मेरी वजह से घर छोड़ के भागा। उसे गए 15 साल हो गए, पर सपने में रोज मेरी जान लेता है। मेरी माँ ने मेरे पैरों में शर्तों की बेड़ियां डाल दी है। शर्त यह है कि दिन भर कहीं भी रहूं, शाम 6 बजे घर आकर उनके साथ वक्त बिताना है। मेरी लाइफ बेरंग, बेस्वाद और बेमतलब हो गई है। बचपन में मेरे कई सपने थे, लेकिन पापा की एक ही ख्वाहिश थी जिसके आगे मेरे सारे सपने बिखर गए। पापा चाहते थे कि वो मुझे एक दिन पुलिस की वर्दी में देखे, लेकिन मेरे ऑफिसर बनने से 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। काश वो अपना सपना पूरा होते देख पाते। आदित्य, कहिए मामा। ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। पेट्रोलिंग कांस्टेबल, तेरे पापा का सपना था, कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। थैंक यू मामा। अरे शांति, खुश तो हो ना? हाँ भैया। आदित्य, तूने अपने पापा की इच्छा पूरी की, अब अपने माँ का भी ख्याल रखना। बहुत दुख सहा इसने तेरे लिए। ऑफ कोर्स रखूंगा। आदर्श नगर पर पेट्रोलिंग रिपोर्ट करें, जल्दी। काम का पहला दिन नाइट शिफ्ट से शुरू हुआ, जहां मेरी मुलाकात 3 नए लोगों से हुई। आदित्य एन तावड़े ऑन ड्यूटी, ओवर। क्या तंटा हो गया? दुनिया के सारे मर्द लोग अपनी ब्यूटीज की ड्यूटी बजा रहे हैं। वो चैन से रोमांस कर पाए, इसलिए हम लोग उल्लू की तरह जागे हैं। जिस किसी ने भी नाइट शिफ्ट का आविष्कार किया होगा, उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं होगी। अपने काम को सिर्फ सुरक्षा देना मत समझो, तुम्हें अपनी इस वर्दी पर गर्व होना चाहिए।
हाँ, कसूर तेरा नहीं है, तेरे रगों में पुलिस दौड़ती है ना। हेलो, कौन सा एरिया? काजू पड़ा। तीन नए फूल आए हैं, आप आ रहे हो क्या? उन्हें वहीं पे रोकना। हाँ सर, खरस सर, मैं आऊँ सर? ओके सर, हाँ मिलो करिए तो सर। हाँ बाय सर। यहाँ पर एक बढ़िया सा पैलेस है, उसके अंदर एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पर तीन इंपोर्टेड पेंटिंग्स पहुंची है, इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर एक गैंग एक्टिव है, तो वहाँ पर जाकर मुझे सुरक्षा देनी है। मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ तुरंत। ओके, मैं भी साथ आता हूँ ना। अरे दादा, वहाँ पे सिर्फ मेरे को बुलाया दादा, अब तुम वहाँ साथ चलोगे तो यहाँ ड्यूटी को निभाएगा मेरा ससुर। 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा, अगर कोई लफड़ा शफड़ा होता है ना तो सीधे मेरे को एक कॉल कर देना। ओके 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 बाय। माइलेज क्वार्टर से भी कम हो गया। हेलो ब्रदर। मुझसे कह रहा है? तुमसे। इधर दारू की दुकान किधर? क्यों पूछ रहे? टंकी खाली है। लगता है ज्यादा ही चढ़ी हुई है। हेलो भाई, टंकी खाली है तो पेट्रोल पंप जाना चाहिए, वाइन शॉप पर नहीं। पेट्रोल घासलेट नहीं चाहिए, मेरी ये रामप्यारी और मैं 90 ml के बाद ही स्टार्ट होते हैं। मैं और मेरी ये बाइक दोनों मैन्युफैक्चरिंग कजन्स हैं। अगर मैंने फुल पिया तो ये हाफ तो पिएगी ही ना, वरना झगड़ा चालू। कोरोना टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, दारू की दुकान का जुगाड़ बताओ। क्या नमूना है। ठीक है, राइट में जा, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी बात है, थैंक यू। बाइक का ध्यान रखना, फिल्में सच नहीं होती है, तेरे को देख के समझ आ गया, वहाँ दबंग और सिंगम पर असल में वॉचमैन ही है, तो वॉचमैन गिरी कर। ऐसा सैंपल मिलना था। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और ठेके वाला देश बेच के निकल जाएगा, पता है? मुझे डबल रेट में खरीदना पड़ा। अरे ये तो स्टार्ट हो गई। टेंशन मत लो, एक बार इसे चढ़ गई ना तो 100 किलोमीटर के बाद ही रुकेगी। गजब की कैपेसिटी है इसकी, नई कार है, वाटर से चलने वाली है, लेकिन ये तो क्वार्टर से ही चलती है। आई एम कांताराव, क्वार्टर कांताराव, क्वार्टर मेरा सरनेम है। मेरी वजह से ही तुम लोगों को टाइम पे पगार मिलती है, दारू के टैक्स से घर चलता है तुम्हारा। ओके, एक अद्धा मैं पी लू, तू क्वार्टर पी ले, क्वार्टर से क्वार्टर से। भाई जी, बहुत भूख लगी है भाई जी। इतने से क्या होगा भाई जी, मेरे घर में 5 लोग हैं। अरे इतने ही पैसे हैं मेरे पास। नहीं है तो कोई बात नहीं, जुगाड़ तो कर सकती हो ना। कैसे? वर्दी कब काम आएगी आपकी? अरे ये गलत होगा। मुसीबत के वक्त भाई जी गलत भी सही होता है, कुछ करो ना प्लीज। ठीक है तू इमोशनल अत्याचार मत कर, मैं कुछ कुछ सोचता हूँ। अरे ये तो लड़की है, बेकार मैं इसे रोका। ये पक्का रंबा या मेनका की कोई कजन रही होगी, क्या कयामत है। लानत है मुझ पर, इससे रिश्वत लूंगा मैं। हेलो, लिफ्ट चाहिए क्या? तो स्कूटर क्यों रोका? वसूली चालू है क्या? इसीलिए नई ड्यूटी करते हो क्या, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए? अक्ल नहीं है, पागल हो क्या? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गई थी कि तुम लुटेरे हो, एक्टिंग की दुकान। ए, कहाँ जा रही हो? पेपर्स दिखाओ। पीयूसी कहाँ है? स्कूटर से जहर फैला रही हो? हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलो फाइन निकालो। तुम्हें फाइन क्यों दूं मैं? तुम ट्रैफिक हवलदार हो क्या? तुम्हारी वर्दी से डरकर तुम्हें फाइन दे दूंगी, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, रोज जानती हूँ सारे।
नॉर्मल पुलिस वाले हो तुम। गाड़ियाँ रोक कर उनसे रिश्वत मांगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो डालकर फेमस बना दूंगी, तब पता चलेगा। अरे वैसे तो वसूली करने का कोई शौक नहीं है मुझे, वो तो बच्चे को भूख लगी थी, पैसे नहीं थे, उसकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी गाड़ी रोकी, पर बैड लक, गलती से तुम टपक पड़ी। ओह ये बात है। हाँ। बच्चा कहाँ है? वहाँ बैठा ना। मुझे फंसा के खुद फुर हो गया। अभी तो यही था, तुम्हारी बातें सुनकर डर गया होगा। सच में उसी का आइडिया था ये। सच में पुलिस वाले हो? आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड मिला नहीं है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है ना। तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है पुलिस की वर्दी में लुटेरे हो। किसे फोन कर रही हो, कोई दोस्त है क्या? हाँ, पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर, उन्हें क्यों फोन कर रही हो? मतलब तुम पुलिस वाले नहीं हो? अरे हाँ यार, मैं पुलिस वाला ही हूँ, तुम्हारे टेंशन में भूल गया। ओहो ऐसी बात है, बात कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कहाँ फंस गया यार, ये तो पहले ही दिन नौकरी से निकलवाएगी, जल्दी से कुछ सोचकर यहाँ से निकलना होगा। अरे कमिश्नर साहब खुद आ गए। ये कहाँ चला गया? बच गया। ऊपर वाले दोबारा मत मिलवाना उससे। वो डॉक के पास वाली जमीन मुझे चाहिए। मुझे किडनैप किया ये बात अगर भाई को पता चल गई ना। मैं यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, वो जमीन मुझे चाहिए। हम लोग बचपन में ऐसे गन्स के साथ खेलते थे। ये आखिरी फैसला है तेरा? मार दोगे ना तो भी यही कहूंगा। उसी जगह पर इसकी बॉडी को दफना देना। बात अगर भेजे में आसानी से ना घुसे तो फिर इस गन की बुलेट घुसा दो। बेवकूफ था, मरना तय था उसका। उस जगह पर दो समाधि बनेगी, एक इसके भाई की भी। अरे हाँ बता देना, आज के बाद वो साइट मेरी हुई। देखता नहीं भाई अंदर सो रहा है? उसके डिस्टर्ब होने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, उसका असर मुझ पर क्या पड़ता है? दिखाई दिया? साइलेंस। एक डाउट है, अगर एक इंसान से इतना प्यार है तो फिर दूसरे पानी कम चाय क्यों लगते हैं? सर ये रहे आपके 50 लाख रुपए। हाँ। गोल्ड डिलीवर होते ही इतला कर देंगे। अच्छा। चलता हूँ सर। ठीक है। देखो पैसों का टेंशन मत लेना, तुम तैयार रहना, रात को मैं आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग दादा, सॉरी हाँ थोड़ा सा अटक गया था। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे, गुड मॉर्निंग कहाँ हुई है? अरे गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता है दादा, जब जागो तब सवेर आए, वैसे ही जब भी अच्छे इंसान से मिलो वो गुड मॉर्निंग है। क्या सोचे, बहुत समझदार लगते हो तुम। अरे दादा मेरे सारे पुरखे जीनियस थे, अकलमंदी तो विरासत में मिली है। क्या खाक अकलमंद हो, एक नंबर के कामचोर हो तुम। अरे क्या हुआ दादा? 5 मिनट में लौटने वाले थे ना, पता है मैंने कितना वेट किया? 5 घंटों से ड्यूटी कर रहा हूँ। 3 पेंटिंग की सुरक्षा, बहुत भारी ड्यूटी थी दादा, इसीलिए लेट हो गया। कल रात को 3 अजीब अनुभव मिले, 2 को तो भुला दिया पर 1 को नहीं भूल पा रहा। इधर भी पूरे 3 अनुभव मिले?
हमारे जीवन में सुख दुख और भय ये तीनों अनुभवी तो हैं। बात तो सही है दादा, तुमको ना पुलिस की जगह फिलोसोफर होना चाहिए था। रात को मैं आर्ट गैलरी गया था, रामभा उर्वशी और मेनका उनकी पेंटिंग एकदम असली लग रही थी। मन कर रहा था कि उधर ही शादी कर लूं तीनों से। छी, कम से कम एक तो मिल जाए मेरे को। और तभी किसी ने मेरा दिल चुरा लिया, नहीं नहीं एक चोर ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो गुस्से से उसके पीछे भागा और उसको ऊपर से लपक लिया। दोनों में गुत्थम गुत्थी हुई, कभी वो ऊपर कभी मैं ऊपर। यकीन करो रात भर कुछ दिल लड़ता रहा उससे, और सुबह पता चला कि वो कोई चोर नहीं बल्कि लड़की थी। अरे बाप रे, भीग गए ना, कपड़े उतारो। वाह वाह, मौसम के हिसाब से गाना, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। अरे रे, मैं आउट हो गया हूँ, ये इस कार में ज्यादा पी लिया। डांसिंग कार, समथिंग इज फिशी। अरे कोई तो है इसमें डांस कर रहा है। हेलो, नागिन डांस करके डराती है, अभी देखता हूँ तुझे। हेलो हेलो हेलो, दरवाजा खोलो। हेलो, अरे बात करनी है मुझे, मुझे अंदर आने दो। कुछ तो समथिंग इज गोइंग इन साइड द कार। दो मर्द विदाउट शर्ट, ला अब चली दिमाग की बत्ती। विदाउट दारू, एंजॉय करो सोडा। अरे सैंडविच मसाज चाहिए क्या? ए, हम लोग पुलिस वाले हैं। और पुलिस वाले सिर्फ थर्ड डिग्री मसाज देते हैं। ए दादा, दोस्त है क्या ये? ये कल रात का पहला अनुभव है। बेवड़ों का ब्रांड एम्बेसडर दिखता ही है। तुम भी सिगरेट ठरकियों के ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हो। हे, कैसे अंदाजा लगाया रे तूने? जितना पीऊंगा उतनी ज्यादा नजर तेज। 90 ml लगाया तो एक्सरे मशीन हो जाती है, सॉलिड पावर आ जाती है। तो 180 में सीटी स्कैन बन जाता होगा। करेक्ट। हाय, आई एम कांता। हेलो, मैं तावड़े। तावड़े? ओ तावड़े वर्क अप वाले? नहीं नहीं, तावड़े कपलेट वाला। अरे मेरे को खोलने दे, मैं देखता हूँ। खुली मेरे को बुला क्या? मैं ये वाला दरवाजा लॉक हो गया, वो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठकर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही 5 rupees का सिक्का गिर गया ना तो उसी को ढूंढ रहे हैं। ये दादा कोई लेडीज है ये? अरे सैंडविच बन गया हूँ मैं, बटर लगा के खाना है क्या? पैंट के साथ इज्जत भी उतर गई। ए निकल दो, ए लेट मी गेट आउट। ठीक है ठीक है। पुलिस आओ, निकल 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 निकल। ये दिखने में तो शरीफ लगती है, तो वो लोग पीछा काई को कर रहे थे इसका? कल तो तुम लुटेरे लग रहे थे और आज यहाँ इस रूप में देख रही हूँ, कहीं तो मुस्टाइप के तो नहीं होना? ये दादा इसको भी जानता है क्या? ये मेरी रात का दूसरा अनुभव है। ओहो, बड़ी हसीन रात थी कल। ए, क्या बोला? तुम इसमें मत पड़ो। वो लोग कौन थे? क्यों जानना है तुम्हें? वो भी समझ गए कि मैं पुलिस वाला हूँ, बस तुम्हें मेरे पुलिस होने पर यकीन नहीं है। सही कहते हैं, टाइम खराब हो तो कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, सब गलत ही होता है। तुम आदमी ही गलत हो, माय बैड लक, 2 times तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ी। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दिमाग खराब है, तुम्हें नाम बताऊं? हाय हंसिका। देखा ना, इसे कहते हैं टाइमिंग। तुम्हारा नाम क्या है? अर्पिता सर। देखो जमाना खराब है, इतनी रात को बाहर नहीं निकलते, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसे भी समझा दो। हेलो, हंसिका हूँ, कुछ हुएगा ना तो उसी की बैंड बजा दूंगी। मैडम आपकी बस शक्ल देख के मेरा टाइम खराब हो गया, निकलो। हट। बला है कि आफत की कुड़िया है, सरे आम डांट के चली गई। सारा नशा उतर गया, पव्वा लगाना पड़ेगा। पहली नजर में पसंद आ गए, जब से उसे देखा है मेरे दिल की धड़कन हर पल बढ़ती ही जा रही है। डांटते भी शहद की तरह मीठा है, दिल में दर्द देकर चली गई। दिल का इलाज है मेरे पास, फिसड्डी देदासों का बेस्ट फ्रेंड है ये। सच में? हाँ, ट्राई कर, ये इनसाइड तो दर्द आउटसाइड। गटक ले गटक ले। तुम भी पियो, ये सिर्फ एक घूंटी लेना। अब दियो, ला। Thank you.
ये पेन किसका है? मेरे पास कैसे आया? ए दादा, यहाँ पर एक सेठ के घर पे बड़ी चोरी हो गई है, चलो। चोरी हो गई? हाँ। कितने पैसे गए? 50 लाख कैश सर, एक गोल्ड के डील में एडवांस मिला था। किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं सर। ठीक है, मैं कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके सर। अर्शद सर, पिछले साल इसी तरह औरंगाबाद में एक चोरी हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। क्या हुआ, पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तुम्ही लोग? हाँ सर। तो पूरी रात से तुम दोनों के वॉकी टॉकी बंद क्यों आ रहे हैं? ड्यूटी छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? सर हम ड्यूटी पर ही थे सर। ड्यूटी की स्मेल आ रही है मुझे, अब ऑफिस में मिलना। अकल नहीं है क्या? यहाँ पहले से फाइल का ढेर लगा हुआ है, अब एक और नया केस। सर वो मजबूरी में पीना पड़ा था सर, रात में टिफिन खाते समय पानी खत्म हो गया था तो हमने किसी दोस्त से पानी मंगवाया। सुबह जब हैंगओवर उतरा तब पता लगा कि वाटर में क्वार्टर मिक्स था। इतनी बचकानी कहानियां बच्चों वाली मैगजीन में भी आजकल पढ़ने को नहीं मिलती। लापरवाही की भी हद होती है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, चलो जाओ। मेरी दादी हमेशा कहती थी, लड़की ना बोले तो हाँ मत समझो, उधार के पैसे जुए में मत उड़ाओ, कोई फ्री की दारू पिलाए तो हाथ मत लगाओ। आज तुम्हारी बात समझ में आ गई आजी। दादी ने ड्यूटी करने के बारे में नहीं बताया था क्या? स्वर्ग में तुम्हारी दादी को बताया होगा शायद। ड्यूटी के पहले ही दिन सब गड़बड़ हो गए। हर बार कभी चोर कभी झूठा साबित किया है मुझे, तेरे साथ अब नहीं रह सकता मैं, चला जाऊंगा यहाँ से, जा रहा हूँ मैं। मुन्ना, सालों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और राष्ट्रपिता कहलाए, और एक दिन उन्हें मारकर नाथूराम गोडसे 2 मिनट में मशहूर हो गया। अब अच्छा या बुरा, ये सिर्फ 2 ही शब्द हैं और कुछ नहीं, समझ गए? सोचो, इस देश में लोग गांधी और गोडसे दोनों को पहचानते हैं। सो मेरा मतलब नाम कमाने से है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, 2 दिन में लौट आऊंगा, मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। हे गंगा भाई, 2 दिन शहर से मैं बाहर रहूंगा। ओके भाई। मेरा भाई कब क्या कर जाए वो खुद भी नहीं जानता। इन 2 दिनों में मुझे 1% भी शक हुआ कि उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो 100% तुझे मार दूंगा। जैसे हमारी आंखों की हिफाजत पलकें करती है, वैसी हिफाजत मेरे भाई की करना। ठीक है भाई। भाई एक खुश खबरी है, जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ गया। वो रणजीत शहर में नहीं है, यह बात है, ये बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। हाँ भाई, वो अपने भाई को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के शहर के बाहर जा रहा है। हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हमको दिया है वही दर्द उसे सूद समेत लौटाऊंगा। किसी को ढूंढ, कोई ऐसा जो उसको तड़पा तड़पा के मारे। सिर्फ स्टाइल ही मारता ही है या आदमी को भी मारता है? जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा। कौन, कब, कहां, टारगेट का नाम? रणजीत के भाई मुन्ना को ऑन द स्पॉट मारना है, वो भी रात के ठीक 2 बजे।
जब यहाँ मुन्ना के सीने में गोली उतरे वहाँ रंजीत की आंखों में खून के आंसू बहने चाहिए। एक बात याद रखना, प्लान में छोटी सी भी चूक हुई तो अगले सुबह ना तू जिंदा मिलेगा ना हम मिलेंगे। मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको। सर रिपोर्टिंग टू जोनल ऑफिस एज फॉर ऑर्डर्स, हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। प्लीज हेल्प मी। मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम कर दिया। जब भी मिलती हो अपने फॉलोअर्स के साथ ही मिलती है, आखिर क्या सीन है तुम्हारा? इतनी सारी भीड़, 1 2 3 4 वाह वाह वाह, शरीफ घर के लगते हैं। चोरी को हमारे हवाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरोगिरी मत दिखा, समझा ना? चल इधर भेज। అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు డైలాగులు చెప్పి ఫైట్ చేయడానికి నేను ఏమైనా పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలో హీరోనేంట్రా? జస్ట్ ఏ తో ముచ్చే పహలే సే ఇంప్రెస్డ్ థే। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अब यहीं रुको, पूरी फिल्म दिखा दो। चल निकल यहाँ से, जल्दी चल। सॉरी। अगर कोई आपकी मदद करे तो थैंक्स कहते हैं, सॉरी नहीं। इस हेल्प के लिए सॉरी नहीं कहा मैंने तुमसे, समझने में गलती की इसलिए कहा। देखो किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। ठीक है घर जा। क्या हुआ, अभी भी डाउट है? ओ, मैं सचमुच असली पुलिस हूँ, ये रहा मेरा आईडी कार्ड। ना डाउट है ना डर, लड़की हूँ पर अकेले 10 का धूल चढ़ा सकती हूँ। अगर डायलॉग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती। चले तुम रोज इस रास्ते से आती हो? टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तभी आती हूँ बस। जब देखो तुम मुझे पीटी उषा की तरह भागती नजर आती हो, इन गुंडों का चक्कर क्या है? हम सबकी लाइफ भी तो एक रेस की तरह ही है ना, अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ, किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए लड़ने निकल पड़ती हूँ। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। यही है मेरी जिंदगी। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था, पापा के कहने पर एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पकड़ ली। पापा की इच्छा मेरे सपने दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। हम दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? पापा। लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है, हमारे दिल की कभी नहीं सुनती, उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है, पर उसकी एक वजह होती है। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली, यही किस्मत है। इंटरेस्टिंग, वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं, पर लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम तो बहुत है, पर अच्छे लड़के दिखने भी तो चाहिए ना। हाय। ए हंसिका, गुड बॉय हूँ, आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके बेबी, जल्दी से आ जाओ, बाय। ए गंगा। जी भैया। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, सबको बोल दे कि गेस्ट रूम में चले जाएं। भाई को अगर पता चला कि हम वहाँ हैं तो वहाँ आके कब्र खोद देंगे। चले जा वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा, इन दोनों को सिक्योरिटी के लिए छोड़ दे बस, चल निकल। ओके भैया। ए चलो रे। अरे अंकल। आप हैं? जान ही निकल गई थी। क्या बात है अंकल? ये रंजीत का एरिया है, यहाँ ड्यूटी लगती है तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। ईश्वर से पूछता हूँ कि पुलिस में नौकरी क्यों लगवाई मेरी। डरने वाली कौन सी बात है, मुझे इंसानों से तो कभी डर नहीं लगा है, लेकिन ये इंसान नहीं है, राक्षस है। पता है 3 महीने पहले मेरी आंखों के सामने मेरा साथी श्रीनिवास, कार चेक करने के लिए उसने उन्हें रोका, कार रोकी तो मुन्ना ने उस पर ही कार चढ़ा दी। बेचारा श्रीनिवास अच्छा आदमी था।
काम पूरा हो गया। मुन्ना को मार दिया है, सीधे उसके दिल पे ही छुरी चलाई है। बैलेंस अमाउंट भेज देना, कोई सबूत यहाँ पर नहीं छोड़ा है मैंने, आप क्लियर रहिएगा। आदित्य सर, आदित्य सर। क्या हुआ? किसी ने मुन्ना को मार दिया। हा? मार दिया? हाँ सर। सुनो, तुम सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ। ओके। उनसे कहो जल्दी यहाँ पहुँचे। ठीक है। यहाँ पर पहले कौन आया था? अपने ऑफिसर सर। ओके, डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड से भी कोई फायदा नहीं हुआ है सर, ना कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही कोई क्लू मिला है सर। इन कॉन्स्टेबल्स को ड्यूटी दी यहाँ की, जॉइनिंग वाले दिन पे ही चोरी, सेकंड डे पे मर्डर। ये एरिया भगवान के भरोसे चल रहा है क्या? जिंदा था तब भी मुन्ना का प्रॉब्लम था, उसके मरने के बाद भी प्रॉब्लम है। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? मैं जरूर कुछ करता, लेकिन मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है सर। ये केस नए SI को हैंड ओवर कर देना, ऑलरेडी उसे डिटेल्स दे दी है, वो संभाल लेगा। मैं याद तो हूँ ना। अरे तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो। पुलिस स्टेशन में फोन करके तुम्हारा नंबर लिया। एक छोटा सा काम है, बाहर चलना है। बाहर चलना है? थाने से बाहर नहीं आ सकता, यहाँ पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ, छोटी सी तो लाइफ है, इसी में उलझे रहेंगे तो जिएंगे कब? अपनी हर टेंशन को बाय बाय कह दो। पुलिस की नौकरी में चोरी, डकैती, मर्डर सब कॉमन है, पर इतनी खूबसूरत लड़की डेट पर बुलाए ये कॉमन नहीं है। मुश्किल है मैडम। मतलब मजबूरी को समझिए। नहीं समझना है मुझे, बाय। अरे आदित्य। हाँ मामा। माँ ने पैसे मंगवाए, घर जाके दे दो। ठीक है मामा। मामा। हाँ। मेरा बैग नहीं मिल रहा। मैं देख लूंगा बेटा, अभी तुम जाओ। ठीक है। ओके मामा, बाय। हेलो सर। कम मिस्टर बिहान वर्मा, प्लीज बैठो। थैंक यू सर। तो ऑफिसर, जैसे बताया था तुम्हें दो इंपॉर्टेंट केस सॉल्व करने हैं, और ये रही उनके डिटेल्स। काफी चैलेंजिंग केस है, मजा आएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। सर, आते ही आपको दो बड़े केस दे दिए हैं। एक रॉबरी, एक मर्डर। रॉबरी का तो पता है, पर मर्डर? मुन्ना! इसका ख्याल रखने के लिए कहा था तुझे, जो मेरा सब कुछ था उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कोमा के मरीज को जगाने का क्या चार्ज लेते हो? मैं दो की ही पूजा करता हूं। पहला,
जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की और दूसरा जिंदगी लेने वाले गन की। तुम्हें क्या चाहिए खुद ही डिसाइड कर लो। जिंदगी पैसों से बढ़कर है सर, अपने करियर का सारा तजुर्बा इस पे लगा दूंगा। उस पांडे ने आदमी भेजा था, अब वो दोनों अंडरग्राउंड हैं। पांडे गलती कर दी, वो आज तक जिंदा कैसे है? मेरे भाई को जुदा कर दिया। कहां है वो? कहां है वो? तो पकड़ ला जाना, मुझसे कोई नहीं बच पाया। शिवाजी सर, सामने एक बड़े साइज का मिरर और व्हाइट बोर्ड लगाना। ओके सर। नंबर एक, रॉबरी, चोरी केलेला बॅगेत 50 लाख होते। सेठ को पैसे मिले उसी दिन चोरी हो गई, इसका मतलब सौदा होने वाला था, उन्हें पता था और उस दिन सेठ को जरूर फॉलो किया गया होगा। दो संभावनाएं, चोर सेठ को जानता था या उसके घर के पास रहता था। पहले पेमेंट होने तक वेट किया, फिर प्लान बनाया, फिर एक आदमी या फिर दो लोगों को या फिर तीन लोगों को शामिल किया। सेठ के घर में जाने के लिए एक ही एंट्रेंस है, लेकिन उस सड़क पर सीसी कैमरा नहीं है और कॉलोनी के एंट्रेंस पे दो कैमरे हैं। चोरी रात को 1 से 4 के बीच हुई है, इसीलिए उस पूरी रात की रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए। जो भी शक करने लायक लोग दिखे उन्हें मार्क कर दें। नंबर टू, मुन्ना मर्डर केस। आज से कुछ दिन पहले रंजीत ने पांडे के भाई को मारा, उसी का बदला लेने पांडे ने उसके भाई को मारना चाहा। जेवड़ी इन्फॉर्मेशन आपले हाथात आली है, पांडे ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलवाया। जब रंजीत बाहर था तभी मुन्ना को मारा। आज रंजीत पागलों की तरह पांडे को ढूंढ रहा है। पांडे अगर हमारे हाथ लग जाए तो उसी पे केस बना देंगे। अगर रंजीत के हाथ लग गया, केस और इंसान दोनों खत्म। सर, अगर मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किया है तो पांडे को हम क्यों पकड़े सर? चांगला प्रश्न है शिवाजी। सर पे पत्थर लग जाए, तुम पत्थर को डांटोगे या फेंकने वालों को मारोगे? पत्थर फेंकने वालों को मारूंगा। छान, इस केस में वो किलर एक पत्थर है और उसे फेंकने वाला पांडे है। उस सेठ के कॉलोनी में जाओ और फुटेज ले आओ। सर फिर से एक डाउट है, मिरर में देखने से गुस्सा आ जाता है और फिर ये भेजा फिर से क्रिएटिवली काम करने लगता है। सबके अपने अपने राज होते हैं। तुझे या डोज के यार हाथ प्रश्न होता ना? हो सर। चला शिवाजी राव, फुटेज ले आओ। ओके, चल लोकर। पकड़ लूंगा बच्चे, अब तू जाएगा कहां? एक चोरी, एक मर्डर और ड्यूटी पर मैं था। अब यह मेरी जिम्मेदारी है। बस एक छोटा सा क्लू चाहिए। कौन था वो? कैसे किया उसने? एक बाइक की आवाज सुनी थी, शायद उसी की होगी। क्या वो अकेला था या दो लोग थे? कैसे हुआ ये सब? बस एक क्लू चाहिए, छोटा सा क्लू। यही है उसका घर। घर के अंदर चलें कि बाहर बुलाकर उसे ठोक दें? तोड़फोड़ कैसे हुई? किसने किया है? मेरी डायरी कहाँ चली गई? माँ? हाँ, क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में आया था क्या? या तो तुम जाते हो या तो मैं, और कौन जाएगा? क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं माँ। यहीं तो रखी थी मैंने, डायरी कौन ले जाएगा? ये क्या है? लिफाफे पर मेरा नाम है, मेरा पता है।
ये सब इसका काम है। बहुत मजा आया। अरे मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। हाय, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आ गया। मुझसे मिलने? किस लिए? उस दिन तुमने कहा था ना बाहर चलेंगे, आज चले? ओह, अब याद आया। ऑफिस के सारे काम, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, केसेस, उन सब का क्या होगा? बाप रे, मेरी बातें मुझे ही सुना रही है। एक्चुअली लाइफ में हर चीज करने का एक टाइम होता है, आज एंजॉय करने का टाइम है। किसी फिलोसोफर ने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल, आदित्य नाम है उसका। सॉरी पर वो वन टाइम ऑफर था तुम्हारे लिए। क्या मतलब? हाँ अकल लगाओ, पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी तो तुम बिजी थे। यहाँ सैकड़ों लड़के हैं जो मेरे ऑफर पाने के लिए तरसते रहते हैं। क्या लगता है तुम्हारे यहाँ के लिए वेट करूँगी? अगर तुम किसी भी लड़के के साथ जा सकती थी तो मुझे क्यों फोन किया? इसलिए कि इन लड़कों में कोई आदित्य नहीं है। क्या मतलब? किसी टेंशन में हो क्या तुम आदित्य? पुलिस की नौकरी का मतलब ही टेंशन है। रिलैक्स रहो, ये सब चलता रहेगा, कूल डाउन। और अपनी सारी टेंशन को भेजो पेंशन लेने। इलाज मिल गया। किसका इलाज? अरे अब दिमाग को टेंशन फ्री करने का इलाज मिल गया है। क्या करोगे? करना तो तुम्हें पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? और क्या, चुम्मा। You mean kiss? हाँ वही किस। मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था, किसिंग के बहुत फायदे। हाथों में सनसनी, रगों में झंझनाहट और शरीर और दिमाग दोनों खुश। साइंस ने प्रूव किया है, कम से कम 2 मिनट तक किस को जारी रखना पड़ता है और उसके बाद हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मतलब जीरो प्रेशर, जीरो टेंशन। डिस्कवरी पर देखा? एक्चुअली एक बुक में भी पढ़ा था। सच में? तो तुमने जिस बुक में पढ़ा था ना उसी से किस ले लो। कोई चुम्मा वुमा नहीं मिलेगा, ना किस मिलेगा और ना ही मिस मिलेगी। पढ़ाया किस वाला। सर गाड़ी पंक्चर हो गई है, स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, मैकेनिक भेज रहे हैं। सर क्या खबर है? पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, किस्मत ने चाहा तो शायद 24 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा सर। मेरे सब्र का बांध न टूटने पाए डॉक्टर, मेरी आवाज से तुम्हें मेरे बढ़ते बीपी का अंदाजा हो गया होगा। 24 घंटे में अगर होश नहीं आया तो उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूंगा। मुन्ना तेरी नींद खराब करने वाले को मैंने कभी जिंदा नहीं रहने दिया। काश तेरी जगह मैं मर गया होता तो बेहतर होता। तुझे मारने वाले को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांपेगी। महाकाल बन के मैं उसे जिंदा निकल जाऊंगा। 3 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए सर, इसी फुटेज में देखिए सर। सेठ के कॉलोनी से एंट्रेंस है, रात को 12 बजे बाइक से आया, फिर वही आदमी रात को 1:30 बजे फिर आता है और लौटते समय एक बैग के साथ भागते हुए निकल गया। ए, थाम। आगे बताओ। सर उसके जाने के बाद रात को 2 बजे 2 अनजान लोग वहाँ पे आ गए सर। रात के 3 बजे बाइक को वहीं पर छोड़ के भाग गए सर। चोरी की सूचना सेठ ने सुबह 6 बजे दी। उसी एरिया में 2 पेट्रोलिंग कॉन्स्टेबल्स वहाँ पे वॉकी टॉकी बंद करके सो गए थे। क्या सिंसेरिटी है। पुलिस स्टेशन से एसआई वहाँ 6:30 को पहुँच गए। गुड, काय नाम है? बाल गंगाधर तिलक सर। यहाँ 3rd World War भी हो जाए इस देश को फर्क नहीं पड़ेगा, इतना जोश किस लिए भाई? मुझे लगा तारीफ करेंगे सर। मुझसे इतनी उम्मीद मत करना, पहले तारीफ के लायक बनो, 2-4 क्रिमिनल्स पकड़ के दिखाओ। जिसको फ्रीज किया है उसे जूम करो। ओके सर, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, स्टॉप। याला कुठे तरी बघितलंय, कहां 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 कहां। यस
अपने पुलिस स्टेशन के वांटेड बोर्ड पर देखा है। एक सेकंड। यस, परफेक्ट। सर, अपने पुलिस स्टेशन के वांटेड बोर्ड पर एक ब्लू टी शर्ट वाला आदमी है। हाँ है सर। उसके केस के सारे डिटेल्स मुझे मैसेज करो। हमारे हीरो का घर। हेलो राजू जी, सेठ के घर से जो 50 लाख लूटे कहाँ रखे हैं? कौन से 50 लाख और कौन हो तुम? मुझे जानने की जरूरत नहीं, सवाल का जवाब देना तेरा काम है, पुलिस का नहीं। सर, मैं चोरी क्यों करूंगा सर? मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है सर। अच्छे एक्टर हो तुम। रात के 1 बजे के करीब सेठ के कॉलोनी में बैग के साथ ये तुम ही थे ना? सर वो बैग मेरा ही है, वो बैग यहाँ पे रखा हुआ है सर, देखिए। वो बैग मैं अपने साथ ले गया था। दरअसल उस रात को सर, प्रिया मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। प्रिया मैंने कहा था ना कि पैसों की फिक्र मत करना तुम, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ए प्रिया, कहाँ जा रही हो? समाज में नाक कटवा के रहोगी तुम। अंदर पापा, चलो प्लीज। चलो पापा। प्रिया तू वही रुक। उसके पापा के डर से मैं भाग गया था सर, उस चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है सर। तो फिर वांटेड लिस्ट में तुम्हारा नाम कैसे आया? सर प्रिया को किडनैप करने की उसके बाप ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी सर, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। एक मिनट सर। हाँ सर, उसने किडनैपिंग की कोशिश की, यही रिपोर्ट में लिखा है सर। ओके मिस्टर राजू। जी सर। हमारी गलती थी, आपको हमने डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर। सॉरी तो नहीं कहूंगा, इट्स माय ड्यूटी। मतलब चोरी करने वाले वही दो लोग हैं, कहां मिलेंगे वो? हेलो। पिछले हफ्ते शहर में एक सेठ के घर चोरी हुई, चोरी किसने की मैं जानता हूँ। तुम कौन? मैं कौन हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, चोरी से जुड़े सारे सबूत है मेरे पास। तो ये मुझे क्यों बता रहे? पुलिस स्टेशन में फोन करो, मुझसे आके मिलो, वजह पता लग जाएगी। कहाँ मिलना होगा? 7 बजे एक कॉल आएगा, उठा लेना, एड्रेस मिलने के बाद फोन कट हो जाएगा। ओके। हेलो, मैं तुम्हारी बताई जगह आ गया। ठीक है, सीधे चलते रहो। ए, कौन है तू? बैग कहाँ छिपाया है, जल्दी बोल। कौन सा बैग है? छोड़ो, चल बोल। क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? ए,
हेलो आदित्य, ऑफिस जाते समय बस स्टॉप के पास स्कूटर पंक्चर हो गई। यहाँ अकेली हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। जल्दी से यहाँ आ सकते हो क्या? अभी आता हूँ। थैंक गॉड। क्या बात है, जनाब का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शाम को किसी ने कॉल किया था, कहा चोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। बाइक रोको। अरे साथ लड़की बैठी हुई है, रोमांटिक बातें करने के बजाय केस, टेंशन, प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें कर रहे हो। सारे गुंडों को पकड़ने का ठेका तुमने ले रखा है क्या? कम से कम जब मेरे साथ रहते हो, अपनी ये सारी टेंशन भुलाकर कुछ मेरे बारे में, कुछ अपने बारे में बातें नहीं कर सकते हो तुम? देखो ये रात कितनी सुहानी लग रही है, पर मेरा ही बैड लक है कि मेरे बॉयफ्रेंड का मूड आज इतना खराब है। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी चेंज के लिए थोड़ा नॉटी बनने में ही होशियारी है, समझे? हे रुको रुको रुको। पर मैं बात कहाँ कर रहा हूँ? बात करने से नहीं रोका, गाड़ी रोकने के लिए कहा। सीधे मेरे कमरे में चले जाओगे क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई थी। इसमें क्या है? पेन? By the way, ये लेजर पेन है। इस पेन से जो भी लिखते हैं उसे पढ़ने के लिए लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है। इसकी लिखावट सिर्फ अंधेरे में दिखती है। कैसी लगी? नाइस। ओके, चलो बाय। उन लोगों ने मुझ पे हमला क्यों किया? कौन सी बैग की बात कर रहे थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या बात है माँ? आज बड़ा ही खास दिन है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। खाना बना दिया है, जब तैयार हो जाओ खा लेना। ठीक है माँ। क्या बात है आदि, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, अभी अभी उठा हूँ ना। ठीक है, चलती हूँ बेटा। ये है क्या? फ्रॉम एंड टू आदित्य। हेलो, कल रात तुम्हें जो बैग दिया था, देखो उसमें एक फाइल है, उसे थाने में पहुंचा दो। किस बैग की बात कर रहे हैं मामा? अरे तुम्हें दरवाजे के पास दिया था ना, तुम उसे साथ ले गए थे। मैंने आपसे बैग कब लिया? अरे उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, अपने हाथों से लिया था तुमने।
मैंने खुद दिया था। मामा मैंने कहा ना मैंने कोई बैग नहीं लिया। चोरी भी तुमने की है, मर्डर भी तुमने किया है आदित्य। अलमारी में रखी डायरी पढ़ लो। ये क्या? किसने लिखी है डायरी? यह हैंडराइटिंग तो मेरी है। तुम्हें चोरी किया आदित्य, खून भी तुम्हारे हाथों हुआ है, सबूत उस बैग में, तू गया काम से। किसने लिखा है ये सब? किसने रखा इसे यहाँ? क्या हो रहा है ये? मामा हाँ, मेरा बैग कहीं मिल नहीं रहा। रात को तुम्हें किस देने से मना किया तो किस लेने के लिए मेरे कमरे में घुसा है? कैसे आदमी हो? अगर पापा ने देख लिया होता तो ऊपर से हम दोनों की सेल्फी भी खींच ली। अरे वो मैं नहीं, कोई और था हंसिका। चोरी, मर्डर। जिंदगी एक पल में बदल सकती है, ये जानने के लिए मुझे आधा पल भी नहीं लगा। मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे भाई ने 15 सालों तक इस दिन का इंतजार किया। एक चोरी, एक मर्डर, हंसिका को किस किया, मामा का बैग चुराया, मेरे पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। अर्जुन, अर्जुन कहाँ है तू? माँ, क्या हुआ आदित्य? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन मुझे फंसा रहा है माँ। पहले चोरी की, फिर मर्डर किया, और उसके बाद हंसिका के घर में घुस गया, मामा का बैग चुराकर उसमें चाकू रख दिया। हमारी शक्लें मिलती हैं, इस बात का फायदा उठा रहा है वो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो, अर्जुन कैसे कर सकता है? माँ, अर्जुन ने ये सब किया। 15 साल बाद वो वापस आया, मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है माँ। 15 साल पहले वो मर चुका है, अर्जुन कैसे आ सकता है? आप समझ क्यों नहीं रही है माँ? अर्जुन मर चुका है। हाँ, अर्जुन इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रही है माँ? वो तो बचपन में घर से भाग गया था ना? ये सही है, मेरी आंखों के सामने मरा था। आज इसकी पुण्यतिथि है और इसीलिए आज मैं मंदिर गई थी, मुझे नहीं बताना था। अर्जुन मर चुका है। अगर अर्जुन मर चुका है तो सीसीटीवी फुटेज में कौन है? हंसिका के घर में कौन घुसा? मामा से बैग किसने लिया है?
मुझे ये गुमनाम खत किसने भेजे? अगर अर्जुन ने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है वो? कौन है वो? मुझे आज भी याद है, मुझसे नाराज होकर अर्जुन मेरे सामने घर छोड़कर चला गया। तो फिर वो मर कैसे सकता है मां? आज तक मैं इसी को सच मानकर जीता आया हूं। क्या हुआ था मां? मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए, फिर नहीं आऊंगा। अर्जुन, अर्जुन रुक जा बेटा। इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। डॉक्टर, डॉक्टर, आदित्य, मेरा बेटा आदित्य। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम यहां कैसे शांति? क्या हुआ मेरे आदित्य को? अचानक से बेहोश होकर गिर गया, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। क्या हुआ होगा इसे? डॉक्टर, ओके ओके, हम देखते हैं। प्लीज शांति, अर्जुन कैसा है? बेटा अर्जुन, आंखें खोल बेटा, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटा, मुझसे बातें कर, बातें कर मुझसे। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे आदित्य को? चिंता की कोई बात नहीं, शायद कोई सदमा लगा है उसे। लगता है इमोशनली और मेंटली भी काफी डिस्टर्ब है वो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। बच्चा बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए किसी शॉक के चलते या फिर वीकनेस से इसका ख्याल रखना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आप उससे मिल सकती है। प्लीज अर्जुन, तुम मेरी वजह से घर छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज लौटा, प्लीज अर्जुन। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ था मुझे माँ? अर्जुन कहाँ है माँ? वो बिल्कुल ठीक है बेटा, अर्जुन ने मुझसे बात की बेटा, तुमसे नाराज होकर मामा के घर चला गया है। जैसे ही गुस्सा शांत होगा वो वापस आ जाएगा। सच में वो लौट आएगा ना माँ? अगर तुम दुखी रहोगे और रोगे तो वो नहीं आएगा, समझ गए? मैं नहीं रोऊंगा माँ। अर्जुन तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया, ये सोचकर तुम परेशान थे और फिर बेहोश हो गए थे। अगर तुम्हें पता चलता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो तुम पर क्या गुजरती? यही सोचकर मैं चुप रही और इतने सालों तक तुमसे झूठ बोलती रही। अर्जुन मेरी जिंदगी में नहीं है,
तो ये सब किसने किया? अगर वो जिंदा नहीं है और ये मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है वो? ये सब हो क्या रहा है? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? लाइफ में मैंने पहली गलती की, तेरे भाई को मारा पर तुझे जिंदा छोड़ दिया। भाई खोकर उसका हर्जाना भरा, डर दुख क्या होता है नहीं जानता था, पर तेरी वजह से पहली बार दिल दुखा। मुझे ये दर्द देके मजे से यहाँ पे घूम रहा है तू? तू जिंदा रहने के लायक नहीं है। नहीं, खत्म कर दूंगा। हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। क्या कहा? सही कहा, हमने मारने का प्लान बनाया था पर उसको किसी ने पहले ही मार दिया था। पैसों के लालच में कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हमसे झूठ बोला, कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए तब से हम यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। तो फिर कौन होगा? भाई मुझे लगता है ये मरने के डर से झूठ बोल रहा है। नहीं प्लीज। सर आपके कोने से बाहर निकला है। इन दोनों को कोमा से निकाल के तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। मेरे मुन्ना को जिसने मारा उसे पहचान पाओगे? उसे पहचान लूंगा। कैसा दिखता है वो? एकदम सिंपल है, एक सेकंड में अपने भाई को भी मार दिया। उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल को समझ गए होगे। सवाल था कैसा दिखता है, उसकी काबिलियत नहीं पूछी मैंने कभी ना कहीं का। अभी मुझे तेरी कुछ दिन जरूरत है, वरना जो बुलेट उसके दिल में घुसी तेरे भेजे में घुसा देता। भाई हर गली हर मोहल्ले में ले जाइन है, शहर छान मारो। मुझे वो चाहिए, पाताल से भी ढूंढ निकालो उसे। बोल बोल, पैसे कहाँ हैं? बोल बता या खाल उखाड़ दूँ। कहाँ है पैसे? चोरी हमने की है सर, पर पैसे हमारे पास नहीं है सर। क्या मतलब पैसे कहाँ हैं? आपके एक पुलिस वाले ने पैसे छीन लिए थे। क्या कहा? पुलिस वाला? हाँ सर। क्या उसे पहचान पाओगे? हाँ पहचान लेंगे सर, पहचान लेंगे। अशोक सर, उस सेठ के घर जिस वक्त चोरी हुई तिथे रात्रि ड्यूटी पर कौन था? कुमार, तावड़े और आदित्य थे सर। कुमार छुट्टी पे था इसलिए तावड़े और आदित्य वहीं पे थे सर। ओके, तावड़े और आदित्य, पर दोनों शराब पी के टल्ली थे, शायद जानबूझकर पी होगी ताकि आसानी से चोरी हो जाए। कायतरी गड़बड़ है। इनके अलावा कौन था? कोई और पुलिस वाला? मामा जी। हाँ बोलो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, एक दोस्त की शादी है। आदित्य जब भी थाने आता है सबको विश करता है, लेकिन आज नजरें चुरा कर जा रहा है। मन में कोई चोर है या कोई फॉलो कर रहा है, ना चाहते हुए भी उस पर डाउट तो करना पड़ेगा। अशोक सर, एक काम कर सर, आज से तुम्हारी ड्यूटी आदित्य पर चुपके नजर रखो। ओके सर। సార్ బయట ఒకడు ఆదిత్య మనీచాడని ఆదిత్యకి థ్యాంక్స్ చెప్పాడు, బట్ నేనెప్పుడు ఇచ్చాడని ఆదిత్య టెన్షన్ గా వెళ్ళిపోయాడు సార్। కాలేజ్ ఇధర్ మే దేఖ్ లూంగా, తుమ్ ఉసే ఫాలో కరో। ఓకే సార్। కుచ్ దిన్ పహలే కిసీ ఆద్మీ నే తుమ్సే బాత్ కీ యా తుమ్హే కోయి బ్యాగ్ దియా థా క్యా? హా దియా థా సార్। కబ్ దియా, కహాన్ దియా ఔర్ క్యూ దియా? మే భిఖారి హూ సాహబ్, తక్రీబన్ కుచ్ 10 దిన్ పహలే ఆదర్శ్ నగర్ కే ఫుట్పాత్ పే మే సో రహా థా।
एक साहब आए और एक बैग मुझे रखने के लिए दिया। क्या बैग देने वाला ये साहब थे? हाँ यही थे साहब, यही थे। अच्छा, सच बताना, बैग लेने वाला यही आदमी था? हाँ सर, यही था, पक्का यही था ना? हाँ यही था सर, हाँ यही था। आता समझ लो। थाम 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 थाम, इसने पैसे चोरी किए पर इन्हें छोड़ दिया गया, पैसे खुद नहीं रखे ना, केस को डाइवर्ट किया और फिर लूट के पैसे को भिखारी को दिया। अब पैसे उसके पास नहीं, तो आखिर गए कहां? काहितरी गड़बड़ है। हेलो सर, रंजीत ने पांडे को मार दिया। ओ जी सर। ओके, मर्डर केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, हिसाब बराबर, खून के बदले में खून। अब चोरी करने वाला आदित्य ही है, रॉबरी केस के सबूत देने वाला खुद आदित्य ही है। कुठे आहेस तू? ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं नहीं ये तो नहीं लगता कि मुन्ना का खून मैंने ही किया? किस मुसीबत में फंसता जा रहा हूं मैं? भाई मुन्ना को मारने वाला मिल गया है, वो हमारे सामने ही है। कहाँ है वो? छोड़ेंगे नहीं तुझे। किधर गया? कहाँ गया? कहाँ है वो? कहाँ है? अभी तक तो पीछा कर रहे थे पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? हेलो सर, रंजीत के आदमियों ने आदित्य को मारने की कोशिश की सर। काय? हाँ सर, किसी तरह वो वहां से जान बचा के भाग निकला सर। ओके, मंजे वो मर्डर पांडे ने नहीं किया, क्या आदित्य का खून से कोई ताल्लुक है? यह कौन किसको टारगेट कर रहा है? सोचो 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 सो रंगा जी, शिवा जी, अर्जेंटली पेट्रोलिंग कांस्टेबल आदित्य के डिटेल्स चाहिए, जॉइनिंग से पहले के और बात। सर सर सर, आदित्य का मामा इस थाने में पोस्टिंग में है सर। असय का बोलवा त्याला। तुम ही आदित्य से मामा हाथ? जी सर। ओके, बताइए आदित्य के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी? क्या बात है सर। घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। आप जो पूछ रहे हैं वो आदित्य के स्वभाव से मेल नहीं खाता सर। किसी से लड़ाई या दुश्मनी उसके स्वभाव में नहीं है सर। बहुत इमोशनल है वो। अभी 3 महीने पहले उसके पिता की मौत एक्सीडेंट में हो गई। पिताजी की जगह पर उसे ये नौकरी मिली। एक्सीडेंट? और वो कैसे हुआ था? ड्यूटी से घर जाते समय एक अनजान गाड़ी से टकरा कर उनकी मौत हो गई सर। ठीक है, पिछले 15-20 दिनों में आदित्य के स्वभाव में कुछ खास बदलाव हुए या फिर कोई और चीज, मतलब उसकी बातें या बिहेवियर में कुछ अजीब हरकतें? अब सर, जिस दिन मुन्ना का खून हुआ हो, आदित्य ने एक बैग खो दिया था। वो बैग पेट्रोलिंग कार में था। अच्छा। एक रात पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से ही उसे बैग दिया था। फिर जब अगले दिन मैंने उसे उस बैग में से एक फाइल थाने में पहुंचाने को कहा तो उसे बैग के बारे में कुछ याद नहीं था। वो कुछ टेंशन में था, उसकी बातें मुझे अजीब सी लग रही थी सर। ओके थैंक यू। ओके सर। भिखारी का कहना है
आदित्य ने पैसों का बैग उसे दिया था और आदित्य उसे वापस लेने नहीं आया। अब आदित्य के मामा का कहना है कि उन्होंने एक बैग दिया, लेकिन आदित्य को यह भी याद नहीं। थोड़ा उल्टा थोड़ा पुल्टा वो चोरी का बैग हाथ में लग जाए तो चोरी का कोई सबूत मिल जाए और शायद मर्डर का भी। बस एक बात का कंफ्यूजन है जो सिर्फ आदित्य क्लियर कर सकता है, कोई और नहीं। रंगा जी। सर, मुझे आदित्य के पिता की एक्सीडेंट की फाइल चाहिए और हाँ, आदित्य का इंट्रोगेशन करना है। सर, वो सीएम के कैंप ऑफिस में स्पेशल मीटिंग है सर। ये मीटिंग उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने मुन्ना को मारा ये सोचकर शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं मुन्ना को क्यों मारूंगा और मैंने उसे कब मारा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य, आदित्य, मेरी नाइट ड्यूटी है, वाइफ को अभी अभी लेबर पेन हुआ है, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें स्टेशन पहुंचाना है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, क्या तुम इन्हें स्टेशन पहुंचा सकते हो? हाँ ठीक है। क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हो? नहीं नहीं। ओके आदित्य, ओके, थैंक यू। रोज कोई मेरे कमरे में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या, इतने दिनों से ये सब? मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने यह सब कब किया। यस, तुमने ही किया। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। शॉकिंग है ना? तुम्हारे साथ लाइफ में जो कुछ हुआ है सुन के मैं भी बहुत शॉक्ड में हूँ। नींद में चलने की बीमारी ज्यादातर लोगों के अंदर होती है। फिल्मों के कॉमेडी सीन में भी हमें यह देखने को मिलता है। इसके कई स्टेज हैं। धीमी वीर की नींद, आंखों का बहुत कम हिलना आखिरी अवस्था होती है, बहुत बहुत गहरी नींद। स्लो वेव स्लीप में हम कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुकिंग, गाड़ी चलाना, बाथरूम जाना। हम बच्चों की तरह फेवरेट हीरो की कॉपी करते हैं और तो और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। जो बात हम जागते हुए नहीं कह सकते इस अवस्था में हम कह सकते हैं। इस अवस्था में पेड़ को या फूलों को इंसान समझ के दिल की बात कह देते हैं। ये स्लीप वॉक स्टेज में दिमाग का ऊपरी हिस्सा, हमारी स्पीच, हमारी आंख दोनों यहीं से फंक्शन करते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा हर वक्त ऑर्डर लेता है, जागने पे जीरो याददाश्त। एक्चुअली कुछ देशों में लोग नींद में क्या क्या कर जाते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसका नाम है मैगलिन, यूएस। इस आदमी को भी स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। इसकी वाइफ के किसी और से नाजायज संबंध थे। नींद में 8 किलोमीटर तक कार चलाई, वाइफ का मर्डर करके पुलिस को इत्तला दी और पार्क में सो गया। पुलिस आई, तहकीकात की, मर्डर कंफर्म किया। पीसीओ गए जहां से कॉल किया गया था, जाके पार्क से मैगलिन को जगाया जो एक घंटे के बाद उठा। मैगलिन हैरान था कि वो उस पार्क में कैसे पहुंचा, कुछ याद नहीं था। वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, सारी दुनिया हैरान थी। स्लीप वॉक भी कितना खतरनाक है। मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ के समझा, तुम्हारे और बाकियों में सिर्फ एक फर्क है, दिल में कुछ दबी हुई भावनाएं हैं
जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो और इसीलिए वो काम तुम नींद में कर जाते हो। तो तुम्हारे इस केस में अर्जुन तुम्हारा इमोशन जुड़ा है। नींद के समय अर्जुन बनके खुद से बदला लेते हो। अगर अर्जुन जिंदा होता तुमसे कैसे बदला लेता? अनजाने में सोचते रहते हो अपने दिल की दबी भावनाओं को, कभी डायरी में, कभी लेटर में और कभी दीवार पर लिखते हो। तुम इस सीसीटीवी फुटेज को देखो, तुम पूरी तरह हैरान हो ना? नींद में चीजें तोड़ना, पेपर्स फाड़ना और तो और लगातार चिल्लाते जा रहे। जीरो मेमोरी के चलते तुमने क्या किया कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए अपने मामा से बैग लेना याद नहीं और भिखारी को जो बैग दिया वो भी याद नहीं। अपने नींद के अंदर तुम एक डकैती का हिस्सा बने और मर्डर का भी हिस्सा बने। गर्लफ्रेंड के घर जाके उसे तुमने किस किया। जब मामा से बैग लिया, बैग लेते समय तुम उसी वक्त अर्जुन जैसा बिहेव करते हो और तो और उसकी तरफ से अपने लिए लेटर्स, डायरीज और दीवार पर लिखते थे। गुस्से में घर पर रखी सारी चीजें तुम ही तोड़ते थे। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ कम हो जाएगी। तुम्हारे नींद से जागने के बाद जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, बिना कुछ बदले तुम उसी जगह आकर सो जाओगे। बस इसीलिए इतना करने के बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। यकीनन अर्जुन की मौत के बाद तुम्हारी इस बीमारी की बातें तुम्हारी माँ ने छिपाई होगी। अगर बीमारी के बारे में बता देती तो वो हमेशा डर में जीता। समझदार होने के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो हिम्मत से उसका सामना कर पाएगा। अर्जुन के जाने के बाद आदित्य से अर्जुन की मौत का राज और उसकी बीमारी की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना होगा और हाँ, बिल्कुल सावधान रहना होगा। आज तक मैं अपनी बीमारी से अनजान था। बचपन में अर्जुन ने नहीं, मैंने चोरी की थी। आज भी मैंने ही चोरी की है, मर्डर किया है, हंसिका के घर में घुसा, सारे गलत काम मैंने ही किए हैं। इसका मतलब जिस दुश्मन को मैं ढूंढ रहा था वो मैं खुद था। अब सारी बातें साफ हो गई। अपने कर्मों का मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब क्या? इंसान बिना मकसद के कुछ नहीं करता, हो ही नहीं सकता। जरूरत, इच्छाएं, पावर की ललक या फिर बदला लेने की हवस। मेरे भाई को तो उसे नहीं मारा, पर किस लिए? मेरे आदमी को देखकर भाग गया, क्या डर की वजह से? शेर भी एक बार डर के पीछे हटता है, घात लगाने से पहले। वो इंसान नहीं, कभी निशाना ना चूकने वाला एक मिसाइल है। कौन है वो? Hmm.
सर, आपने फाइल मंगवाई थी आदित्य के पापा के एक्सीडेंट केस की। भैया उसका पता चल गया। कौन है वो? जो एक्सीडेंट मुन्ना ने किया था वो केस फिर से खुल गया भैया। ये था तो एक्सीडेंट लेकिन जानबूझकर किया गया था। व्हाट? मुन्ना 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 क्या हुआ? मुन्ना पुलिस, भैया ने जो कोकेन मंगवाई है ना वो कार की डिक्की में। ए इधर दे। मैं देख लूंगा इन्हें, तो टेंशन मत ले। ए गाड़ी रोको रोको, जरा डिक्की खोलेंगे सर। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी? कर ले अपनी ड्यूटी, अब मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू होता है। ए, 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 गाड़ी रुको, रुको गाड़ी, स्टॉप। वो टक्कर मुन्ना ने मारी थी सर, लेकिन किसी अनजान गाड़ी का नाम लिख के केस बंद कर दिया गया। आदित्य बेटा है उसका, जिसे मैंने एक मामूली बुलेट समझा था वो तो एक खतरनाक एटम बॉम्ब निकला। क्यों उसे मैंने अनदेखा किया? लाइफ में जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। किसने किया? आदित्य, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज इस जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है। तुमने कहा था बैग खो गया है,
ये पीछे की सीट पर था। ऐसे चुप क्यों हो बेटा? रोड नंबर 10 पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी वहां पहुंचो। जा रहा हूं सर, ओवर। सुनो, सुबह थाने में मिलते हैं, जल्दी से रोड नंबर 10 पे चलो। इस सारे खेल का सूत्रधार मैं ही हूं। ये सारे जुर्म मैंने किए हैं। पागलों की तरह किसी और को ढूंढ रहा था। मैंने बस खुद को एक मोहरा समझा, जबकि मोहरा चलाने वाला खिलाड़ी मैं खुद था। मैं इंस्पेक्टर का सस्पेक्ट हूं और मेरा शिकार वो रंजीत है। तेरा कातिल मिल गया मुन्ना। मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर उसे खत्म नहीं किया तो हजारों लानते हैं मुझ पर। तेरा कर्ज चुकाना है मुझे। खुद मर जाऊंगा पर वो जिंदा नहीं रहेगा। कुछ ही देर की बात है करण भाई, जब कोई इंसान जीतता है तो उसकी खूबियां दिखाई देती हैं, पर जब वो हारता है ना तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है, अगर वो पता चल जाए ना तो जहन्नुम से भी बदतर उसकी जिंदगी बना सकते हैं। तुमने उसे देखा है ना, उसकी कमजोरियों पर तो गौर किया होगा। मुझे उसकी वीकनेस बताओ। क्या आप आदित्य की माँ हैं? हाँ, कहिए। मैं उसके थाने का SI, अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना प्लीज। ऐसे ही आ गया। पिछले 2 दिनों से आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया, सोचा घर पर होगा। वो 2 दिन से घर नहीं आया है, कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, कैजुअल विजिट किया था। एतराज ना हो तो क्या मैं आदित्य का रूम देख सकता हूँ? ठीक है सर। जुड़वा है क्या? हाँ सर। एक तो आदित्य है और दूसरा अर्जुन। एक एक्सीडेंट में बचपन में ही उसकी मौत हो गई। ओह सॉरी, पहले से बहुत उलझा हुआ हूँ, एक नया कंफ्यूजन। आदित्य से कहना मुझसे मिले। कह दूंगी सर। चलता हूँ। नमस्ते। माँ तो हमेशा बेटे का ही साथ देगी, ये कुछ नहीं बताने वाली। तो अब क्या करें सर? हाँ, बर एक काम करा, 2 लोग थाने जाओ, ड्रेस चेंज करके यहाँ पे निगरानी रखो। ओके सर। आदित्य के घर पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। सर। इसका मतलब SI को भी शक हो गया है, अब आगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार। तुम्हारी उम्र? 40 का होने वाला हूँ सर। तुमने अपनी पत्नी का खून किया है? सवाल ही नहीं सर। पकड़ा गया उल्लू का पट्टा। झूठ बोल रहा है ये। पॉलीग्राफ बता रहा है किसी ने अपनी वाइफ को ठिकाने लगाया। ओके सर। ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है, जंगल में ले जाके एनकाउंटर कर दो। कैसा है भाई? अबे कब से रुका हूँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रॉब्लम 2-way ट्रैफिक है, एक तरफ खड़ी होती है दूसरी तरफ सॉल्व होती है, सिंपल। पर यहाँ प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। बात क्या है? बैठ बताता हूँ। ये बता, ये नींद वाली बीमारी कब से है? है तो बचपन से, लेकिन पता अब चला है। संभल के रहना, मेरे दादा को भी यही प्रॉब्लम थी, एक दिन नींद में बाहर गए फिर कभी लौट के आए ही नहीं। डरे हुए को ज्यादा मत डरा, चुपचाप बैठा रहे। किसी पार्टी में लेके जा रहा है क्या? ना, तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी का सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या काम? मेरे दिल का सॉफ्ट कॉर्नर यहीं पर है। क्या मतलब? चलो कहीं और चलते हैं। हांसिका जरा 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप क्या कहना है? प्लीज हांसिका, मैंने जानबूझकर तुम्हें किस नहीं किया। ओह
कल तो कहा कि कोई किस नहीं किया और नहीं तुम्हारे घर आया, और अब कह रहे हो जानबूझकर किस नहीं किया। ग्रेट, इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, लेकिन तुम ऑक्सीजन और झूठ दोनों के बिना नहीं जी सकते। अरे यार हंसिका, मुझे एक स्लीप डिसऑर्डर है, ये बात अभी अभी पता चली है। ओ, काफी क्रिएटिव झूठ बोलने लगे हो। तुम्हारी झूठी कहानी और झूठी बकवास सुनने का ना ही मूड है और ना ही टाइम। दोबारा कोशिश भी मत करना, बाय। अरे हंसिका, हंसिका डूड, लड़की के साथ लोचा किया मतलब इलाज थोड़ा हटके करना होगा। ए, रोड की तरफ क्या देख रहा है? अरे यार हंसिका इसी रास्ते से जाती है, बात भी नहीं सुन रही है मेरी। ए इधर आ, दवा ले। गटागट गटागट एक सांस में। हाँ शाबाश। सुन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्यों? मेरे अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है। मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं एक लोफर। एकदम सही कहा, कितना अच्छा समझता है खुद को। चल बैठ जा। अरे बैठ ना यार। भाई लड़कियों को तो न्यूटन भी समझ नहीं पाया, लॉ ऑफ लव नहीं बना पाया, हमारी क्या औकात। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? I'm sorry आदित्य। क्या हुआ? तुम मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताने आए थे और मैंने गुस्से की वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें भला बुरा कह दिया। मुझे कल रात ही पता चला। क्या हुआ था कल रात को? रात को मैं सच कह रहा हूँ हंसिका, जानबूझ के किस नहीं किया था, नींद में चलने की बीमारी है, मैंने मुन्ना को मारा। मैं सच कह रहा हूं, यकीन क्यों नहीं करती हो? हंसिका? हाँ, अंकल। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल ये आदमी। हे भगवान, ये मेरा पेशेंट है, इसे तो स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। दिल में अपने दबे हुए इमोशंस को जो जागते हुए नहीं कह पाते रात को एक्सप्रेस करते हैं। अनजाने में फंस गया एक चोरी केस में और मर्डर केस में, इमोशन में आके अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी किया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी, अपनी बीमारी का पता ही नहीं था। इस समय भी ये बहुत गहरी नींद में है, यहां रुकना सेफ नहीं है। बेटी तुम्हारी स्कूटी कहां रखी? यही सामने है। ठीक है बेटी, संभल के जाना। सॉरी आदित्य, मुझे लगा तुम मुझे मनाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हो, पर मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पाई और तुम्हें भला बुरा कह दिया, और जब अंकल से सच्चाई का पता चला तो अपनी गलती समझ आई। सॉरी आदित्य। तुम यहीं रुको, मैं आता। हंसिका, 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 हेलो। तेरी आवाज सुनने के लिए मैंने पूरे 20 दिन इंतजार किया, पर आज तेरी सूरत देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं कौन हूँ तुझे समझ में आ गया होगा।
क्या सोचा था मेरे भाई को मार कर तू जिंदा रह पाएगा? उस दिन तो बच गया था, पर तेरी कमजोरी मेरे हाथ आ गई। तेरी गर्लफ्रेंड इस वक्त मेरे पास है और अभी तक जिंदा है, तुझे मेरे पास आना होगा। बैठ जा। बैठ। मैं लेडीज लोगों की बहुत इज्जत करता हूं और इसीलिए अभी तक कुआ रहा हूं, मतलब समझ रही हो ना? 20 मिनट और फिर तुम यहां से जा सकती हो जहन्नुम में। टाइम अप। भाई यहाँ 24 आवर्स इन्वर्टर बैकअप है, शॉर्ट सर्किट का चांस ही नहीं है। पावर जाने का मतलब है वो आ चुका है, उसे ढूंढो। जाओ चलो चलो उसे ढूंढो उसे। हंसिका, मेरे साथ रहोगी तो मुसीबत में पड़ोगी, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मेरे सारे प्रॉब्लम्स मुझे को सुलझाने होंगे, तुम जाओ। पहले ही तुम्हारी बात ना मानकर गलती कर चुकी हूँ, अब सच्चाई जानने के बाद तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस मुश्किल वक्त का हम मिलकर सामना करेंगे। I love you, आदित्य। तो मिस्टर बिहान, केस का स्टेटस क्या है? दोनों केस के पीछे एक ही आदमी है। और वो आदमी कौन है? मेरे थाने में पोस्टेड है कांस्टेबल आदित्य। पुलिस इन घिनौने क्राइम्स में इन्वॉल्व है ये जान के ना सिर्फ मीडिया बल्कि पब्लिक भी हमारे कपड़े फाड़ देंगे। कुछ बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सर, चोरी के पैसों के लिए नहीं किया गया, ये कत्ल बदले के लिए किया। स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले सर, इस राज का खुलासा आदित्य ही कर सकता है क्योंकि वो पुलिस वाला है। मीडिया और पुलिस से हमें उसकी पहचान छुपानी होगी। तो जाओ, बिना समय गवाए उसे अरेस्ट करो। आदित्य को कैसे पकड़ना है और कैसे ढूंढना है मैं जानता हूँ सर।
नमस्ते माँ जी, मैं आदित्य का दोस्त हूँ। अंदर आइए, बैठिए। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। अगर किसी की फोटो मिल जाए तो उसका नाम, पता, जन्म कुंडली सब मिल जाता है। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। अब उससे पहले जरा मुंह मीठा कीजिए ना। अच्छी खबर यह है कि मैं आदित्य को मारने वाला हूं। हाँ, यह अच्छी खबर आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। वैसे कमाल है ना, आपके पति एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये बात सिर्फ मुझे और आदित्य को पता है। वो एक्सीडेंट मेरे भाई ने किया था। हेलो सर, रंजीत आदित्य के घर आया था। अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। ओके सर। सर आदित्य की माँ तो बेहोश हो चुकी है। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर, अब कैसे है वो? उन्हें सही टाइम पर एडमिट किया है, इसलिए अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। किसी भी वक्त यहां आदित्य आ सकता है। ओके सर। हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, आईसीयू, रिसेप्शन, हर जगह नजर रखना। यस सर। किसी भी सूरत में आदित्य बचना नहीं चाहिए, समझ लो? ओके सर। आदित्य, रंजीत तेरे घर गया था और धोखे से तेरी माँ को जहर खिलाया। ये क्या कह रहे हैं मामा? हाँ बेटा, उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अब कैसी है वो? अभी ठीक है वो, लेकिन बाहर रंजीत के आदमी खड़े हैं। हॉस्पिटल के अंदर कॉन्स्टेबल्स और एसआई तेरे आने का वेट कर रहे हैं बेटा। मामा, आप सिर्फ माँ का ख्याल रखिए, वहां आने से पहले मुझे एक हिसाब चुकता करना है। ठीक है बेटा। आजा बच्चू, तुझे इस वार्ड वक्त है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वो सब तुमसे अनजाने में हुआ है, ये बात पुलिस को जाकर बता क्यों नहीं देते? बताऊंगा, पर अभी एक काम बाकी है, पहले उसे पूरा करूंगा। अब क्या करना है? आज ऊपर वाला भी मुझे रोकना चाहे, ये जंग होकर रहेगी। आज की रात फैसले की रात है, या तो जीतूंगा या मर जाऊंगा। कल का सूरज नहीं देखेगा वो। हॉस्पिटल के चारों तरफ मौत का जाल बिछा दो। ए, वो किसी भी वक्त आता होगा, इसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होगा। आज की रात आदित्य सलाखों के पीछे होगा। मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, इतनी आसानी से अरेस्ट करूंगा कभी नहीं सोचा था। एक लूट में इन्वॉल्वमेंट और एक मर्डर में तुझा खेल संपला। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, मैं डॉक्टर शर्मा हूं, ये मेरा पेशेंट है,
इसे स्लीप वॉक डिसऑर्डर की बीमारी है। क्या? स्लीप वॉकिंग? जी हाँ, ये देखिए, ये इसकी बीमारी के रिपोर्ट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, वीडियो फुटेज भी हैं जो बिना इनके परमिशन के ली गई है। प्लीज चेक। जब ये सोते हैं तो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं, दैट्स इट। सर ये है मेन सबूत। एंटीसिपेटरी बेल, मेरे क्लाइंट को एक खास बीमारी है, इसलिए कल रात को गहरी नींद में यहाँ आके वो सो गया। इस मर्डर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जब तक ये दोषी साबित नहीं हो जाते ये मुलजिम नहीं हो सकते। बिना पुख्ता सबूत के इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते आप। खेल खत्म नहीं हुआ, नींद में किया क्या? सबूत बेमतलब। जागते हुए जुर्म किया या फिर नींद में जुर्म किया, सच क्या है झूठ क्या है, 10 मिनट में पता लगा लूंगा। प्रभाकर सर, आदित्य के फिंगरप्रिंट्स, रंजीत के बॉडी से मिले फिंगरप्रिंट्स, चाकू फॉरेंसिक लैब भेजो, घर के सीसीटीवी फुटेजेस निकालो, चेक करो, अगर पावर कट हुआ है तो इसी की कारस्तानी होगी। इमीडिएटली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में होने चाहिए। रामू यस सर, लाइट डिटेक्टर पर इसका इंट्रोगेशन करवाओ। ओके सर। बस मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। इन सवालों का जवाब चाहिए। ओके। तुम्हारा नाम? आदित्य। फैमिली में कौन है? मेरी माँ, पापा नहीं है, मेरा जुड़वा भाई अर्जुन, उसकी मौत हो चुकी है। अर्जुन, कैसे मौत हुई उसकी? बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है? हाँ, एक स्लीप डिसऑर्डर है। वो चोरी तुमने की थी? नहीं, कोई चोरी नहीं की, नींद में एक बैग मिल गया था, मैं उसे वहीं रोड पर छोड़ा है। मुन्ना का मर्डर वो तुमने किया? मैंने मुन्ना का मर्डर नहीं किया। क्या कर रहे थे वहां? नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग कर रहा था। रंजीत का कत्ल तुमने किया? उसका कत्ल मैंने नहीं किया, उसके घर में मैं नींद में चलकर पहुंचा था। ओके। कोई गड़बड़? नहीं सर, इसने जो कुछ भी कहा सब सच है। ओह डैम इट। सर लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं। सर रंजीत की बॉडी पर मिले उंगलियों के निशान आदित्य के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। काय? जी हाँ सर, ये सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग में 1 सेकंड का भी पावर ब्रेक नहीं है। पूरा फुटेज देखिए सर, आदित्य नींद में चलते हुए इसके घर आकर सो गया। और ठीक 2 मिनट बाद किसी ने रंजीत को हॉल में फेंक दिया और वो फोर्स इतना था कि उसकी बॉडी बहुत ही दूर आकर गिरी। बालकनी में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कातिल की शक्ल रिकॉर्ड नहीं हो पाई सर। आदित्य, थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। ये सब क्या था बेटा? घबराइए मत मामा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये फिंगरप्रिंट्स और ये सीसीटीवी फुटेज सब यूजलेस हैं सर। इस मर्डर में आदित्य का हाथ बिल्कुल नहीं है, ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई है सर। और बाकी दोनों केसेस में भी उसके खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं है।
सर, आदित्य बोल रहा। हाँ आदित्य बोलो। नीम की बीमारी की वजह से मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। श्योर, डेफिनेटली। कल सुबह ठीक 7 बजे आप प्लीज रंजीत के गेस्ट हाउस पहुँचिए और पुलिस को बताइए कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मेरे रिपोर्ट्स भी ले आइएगा। हाँ ले आऊंगा। हेलो आदित्य। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें रंजीत के गेस्ट हाउस आना होगा एक वकील के साथ। उसे सब समझा देना, कल इस केस को खत्म करना है। अगर मैंने नींद में कोई काम किया है तो वो जुर्म नहीं होगा, यही है हमारा लूप होल। ओके आदित्य। बोलो बेटा। गौर से मेरी बात सुनिए, कल सुबह ठीक 7 बजे मैं रंजीत के गेस्ट हाउस में मिलूंगा, ये बात SI विहान को बता दीजिएगा। लेकिन क्यों? मामा भरोसा रखिए और जो कह रहा हूँ वो कीजिए, कल सब पता चल जाएगा। ओके। देखो कैसी आवाज है। ओके भाई। वॉचमैन नहीं, वो आ चुका है। सुनो उसे। खत्म कर दो उसे। की मौत का बदला तेरे भाई को मारकर पूरा किया, मेरी कमजोरी समझकर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया, मेरी माँ को जहर दिया, लेकिन अपनी कमजोरी को मैंने हथियार बनाया है और वही तुझे मारेगी। ओह।
सर, खबर मिली आदित्य रणजीत के गेस्ट हाउस में गया है। खरच कॉन्स्टेबल्स सला लाकर। जिस बीमारी की वजह से मैंने जुर्म किया, उसी बीमारी का फायदा उठाकर मैंने बदला पूरा किया। शतरंज के खेल का उसूल है, सामने वाले की चाल पहले भांप लो। जानता था एसआई विहान की सोच कहां तक जा सकती है, और इसीलिए। हाँ बोल भाई। लाई डिटेक्टर से झूठ बोलने वाले को पकड़ा जा सकता है, लाई डिटेक्टर को धोखा दे सकते हैं। देख भाई, लाई डिटेक्टर ऐसी चीज है जो आपके दिमाग की, दिल के धड़कन की, शरीर के पुर्जे पुर्जे की हरकत को पकड़ लेता है। झूठ बोलने से पहले आदमी की पूरी बॉडी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे धोखा देने के दो तरीके हैं। लाई डिटेक्टिंग के समय पहले पर्सनल सवाल पूछते हैं, उसके बाद असली मुद्दे पे आते हैं। जब तक ईमानदारी से सही जवाब देते रहोगे, पॉलीग्राफ नॉर्मल आएगा, लेकिन जब मेन सवाल पूछना शुरू करेंगे तो ग्राफ ऊपर नीचे होगा और झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए मेन सवाल पूछते समय नर्वस मत होना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन, जब वो मुश्किल सवाल पूछे तो कुछ और ही सोचने लग जाना, अपनी लाइफ का कोई मजेदार लम्हा याद करना, कुछ अच्छा सा सोचना, उसके बाद जवाब देना। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से इस इम्तिहान को पास कर लिया, सबको चकमा दे गया, बीमारी का हथियार बनाकर। राम और रावण हमारे अंदर दोनों होते हैं, कब कौन हावी हो जाए कोई नहीं जानता। अपनी कमजोरियों को हावी मत होने देना, असली गेम अब शुरू होगा। Game starts now.